हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। अपन ने पीछे के जितने भी टेंसेज थे, अप्रोक्सीमेटली, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर्स, वी हैव टू कंप्लीटेड ऑल द टेंसेज। और मैंने जैसा कि पहले कहा था कि टेंसेज कंप्लीट होने के बाद हम गोइंग टू वाले सेंटेंस करेंगे। ये भी एक टेंस का ही पार्ट होता है कि लगभग ऐसा हो जाता है कि जैसे हम टेंस कंप्लीट करने के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम कुछ सेंटेंस कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वो हमारे पढ़े नहीं हुए नहीं होते हैं। उनकी सिचुएशन क्या होती है, उनकी कंडीशन क्या होती है, वो हमें पता ही नहीं होती है। तो इन दिस कंडीशन से हम क्या करते हैं कि उसको किसी भी सेंटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं और वो क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। तो देखते हैं कि हम ये गोइंग टू वाले सेंटेंस किस तरह से करते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि गोइंग टू क्या गया, मैंने एक थोड़ा सा इसका नोट लिखा है कि फ्यूचर एक्शंस आर आल्सो टॉक्ड अबाउट बाय यूजिंग गोइंग टू। सिर्फ गोइंग टू वाले में जो सेंटेंस होते हैं उसमें फ्यूचर एक्शन काम में आती है, ठीक है। आप और फिर बात किस चीज की होती है भाई, जिस तरह से और आल्सो टॉक्ड अबाउट बाय यूजिंग गोइंग टू, और ये जो बात पूरी पूरी किसके ऊपर चली जाती है, गोइंग टू वाले सेंटेंस में हमेशा फ्यूचर एक्शन की बात होती है। हम इसको इसके एक्सरसाइज से क्लियर करते हैं कि देखिए, जैसे द डांसर इज गोइंग टू गिव ए परफॉर्मेंस टुडे। अब इसमें आप देखेंगे कि आप कि फ्यूचर का तो कहीं पर इसमें सिंबल नहीं है, फिर इसमें फ्यूचर एक्शन किस तरह से काम आता है, तो गोइंग टू वाले फ्यूचर के लिए ही यूज में होते हैं। जैसे इसका आप हिंदी सेंस देखेंगे तो द डांसर इज गोइंग टू, जो डांसर है वो देने जा रहा है, गिव ए परफॉर्मेंस टुडे, कि आज अपना परफॉर्मेंस देने जा रहा है। जा रहा है तो आपको दिख रहा होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, बट जा रहा है, जा रहा गया तो नहीं है ना, उसने अपना परफॉर्मेंस दिया तो नहीं है, कब देगा, इन फ्यूचर, जो आने वाला जो समय है उसमें वो अपना परफॉर्मेंस देगा। तो दिखने में तो ये कंटिन्यूअस वाला फॉर्म लग रहा होगा आपको, लेकिन ये सेंस किसका देता है, फ्यूचर का देता है। तो जहां पर भी आपको गोइंग टू नजर आए, इसमें फ्यूचर एक्शन है, हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। देखो हम इसको अदर एक्शन में और देखते हैं, अदर एग्जांपल में देखते हैं। आर यू गोइंग टू प्ले इन द रणजी ट्रॉफी मैच, आर यू गोइंग टू प्ले, क्या तुम खेलने जा रहे हो रणजी ट्रॉफी का जो मैच होता है, क्या तुम वो खेलने जा रहे हो, तो खेलने जा रहे हो, खेला तो नहीं है ना। वैसे इसमें क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इसका सेंस तो फ्यूचर का ही दे रहा है, ठीक है। इसमें मैंने एक नोट लिखा है, गोइंग टू एक्सप्रेसेस ए पर्सनल विल और इंटेंशन और सर्टेनिटी। तो इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है गोइंग टू और जो सेंटेंस होते हैं उसमें पर्सन की जो विल होती है, विल पावर होती है, और उसकी जो इंटेंशन होती है, इरादा, और उसकी जो सर्टेनिटी होती है, निश्चिता होती है, वो साफ साफ उसमें रिफ्लेक्ट होती है। इसमें आपको जो गोइंग टू वाले सेंटेंस होते हैं उसमें विल नजर आएगा, आपको इंटेंशन नजर आएगा, और सर्टेनिटी नजर आएगी। देखो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। ही इज गोइंग टू फिनिश इट नेक्स्ट वीक। Yes, he is going to finish it next week. कि वह फिनिश करने जा रहा है, इट नेक्स्ट वीक यानी अगले सप्ताह तक वो फिनिश करने जा, मतलब कुछ भी उसका काम वाम जो भी है वो फिनिश करने जा रहा है। तो जा रहा नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक है हमारा क्या है, फ्यूचर सिंबल है ना, और करने जा रहा है। तो ये गोइंग टू वाले सेंटेंस इसी तरह से होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है, ही इज गोइंग टू सेल हिज कार, कि वह अपनी कार बेचने जा रहा है। द बस इज गोइंग टू ओवर टर्न, कि जो बस है वो ओवर टर्न यानी कि ओवर टर्न करने जा रही है। तो आप आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो गोइंग टू वाले सेंटेंस में आपको जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी वे में है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या है कि पैसिव वॉइस में भी ये होते हैं। तो पैसिव वॉइस में किस तरह से, तो आपको पैसिव तो आते ही होंगे, या नहीं आते हैं तो मैं इसका वीडियो जल्दी ही बनाऊंगी, अभी तो हमारे सिर्फ टेंसेस कंप्लीट हुए ना। हम नेक्स्ट देखते हैं, शी इज गोइंग टू बी मैरिड नेक्स्ट मंथ, कि वह नेक्स्ट मंथ फ्यूचर हो गया ना, नेक्स्ट मंथ वो शादी करने जा रही है। फिर नेक्स्ट, दिस रूम इज गोइंग टू बी क्लीन, कि वह इस रूम को साफ करने जा रही है। ये
पैसिव में भी गोइंग टू वाले सेंटेंस आते हैं, आपको ध्यान में रखना है कि जो हम पैसिव पढ़ेंगे तो उसमें गोइंग टू वाले सेंटेंस तो पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। फिर थर्ड है हमारा, दीज ट्रीज आर गोइंग टू बी कट डाउन सून, कि ये पेड़ जल्दी ही कटने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कटने अपने आप तो नहीं कटेंगे ना, बट ये पैसिव है तो कटने जा रहे हैं, किसी के द्वारा ये काटे जाएंगे। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें, और अगर आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल हो रही हैं तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, ध्यान रहे सब्सक्राइब करते समय वहाँ पे आपको एक बेल आइकन जरूर दिखाई देगा, तो उसको आपको दबाना है। ओके, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, और इसके बाद मैं आपको लेके आऊंगी इसके इफ कंडीशनर वाले सेंटेंस। ओके, बाय बाय गाइस।